मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। उत्तराखंड और हिमाचल में हो सकती है मूसलाधार बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश के आसार। दो दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है हवाओं की रफ्तार। और कोंकण में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखे किसान, तो दिल्ली और उसके आसपास किसान ग्वार, मूली, बीन्स, पालक, सलाई और भिंडी की करें खेती। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत, मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले दो दिन कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। दो दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। कल हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। हरियाणा की अगर बात करें तो कल तो दो दिन पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दो दिन झमाझम बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कल कुछ इलाकों में यहां भारी बारिश हो सकती है। दो दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश तो कल गुजरात में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दो दिन कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए दो दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी तो यहां भी कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल तक आंध्र प्रदेश में एक दो जगह पर भारी बारिश होने की संभावना है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। जी हां, देश के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और क्या कहीं मौसम साफ रहेगा या नहीं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। दो दिन पंजाब में कुछ जगह तो पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल अधिकतर जगह तो रविवार को कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी राज्यों में बिहार में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है, जबकि झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल में कल अनेक इलाकों में बादल बरस सकते हैं। वहीं ओडिशा में दो दिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी अगले दो दिन अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहां के सभी राज्यों में अगले दो दिन अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह तो मराठवाड़ा और विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में दो दिन अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहां तटीय आंध्र प्रदेश में कल कई जगह, जबकि तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय कर्नाटक में अगले दो दिन कई जगह बरसात का अनुमान है, जबकि आंतरिक कर्नाटक में कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा केरल में दो दिन अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। रोजाना अपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां बारिश दर्ज की गई, इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही असम और मेघालय में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई, तो गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कई जगहों पर बादल बरसे। वहीं उत्तराखंड में भी ज्यादातर जगह, तो हिमाचल में अनेक जगह, तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह, तो झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बारिश दर्ज हुई। हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। गुजरात की अगर बात करें तो यहां कई जगह, तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्यादातर जगह बादल बरसे। साथ ही कोंकण और गोवा में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में आप देख सकते हैं ज्यादातर जगह, तो आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी अनेक जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ हरियाणा और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किए गए। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किए गए। और इस बीच देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज हुआ, यहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की भी। उत्तराखंड की अगर पहले बात करें तो आप देख सकते हैं अनेक जगह, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जबकि गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज हुआ, यहां तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास आने वाले दिनों में मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन, देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी भारी बारिश हो रही है। कुछ जगह पर बादल छाए रहने की भी संभावना है। ऐसे में खासतौर से महाराष्ट्र राज्य की अगर बात की जाए तो यहां किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस मौसम में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखे, इसके साथ ही हर 2 से 3 दिनों के बाद पानी को बदल दे। इसके अलावा यहां बारिश की संभावना को देखते हुए मूंगफली और रागी के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। कोंकण में ही इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में सिरका मक्खी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके अलावा इस समय यहाँ आम की टहनियों में फफूंद जनित रोग होने की भी संभावना है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय धान में निराई के बाद 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। इसके साथ ही यहां इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे यहां सोयाबीन में कीटों के लगने की संभावना है। ऐसे में कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप यानी गंध पाश प्रति हेक्टेयर लगाए। इसके साथ ही यहां इस समय टमाटर में ककड़ी मोजिक वायरस का प्रकोप भी देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौध को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दे। मराठवाड़ा के किसान इस समय कपास, अरहर और सोयाबीन की फसल में मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए 6 से 8 पंक्तियों के बाद गड्ढा खोद कर पानी जमा करे, लेकिन भारी वर्षा की स्थिति में अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकाल दे। मराठवाड़ा में ही समय बादल छाए रहने के कारण कपास और सोयाबीन जैसी फसलों में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो मौसम साफ रहने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। विदर्भ के किसान इस समय खरीफ फसलों, सब्जियों और बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां के किसान फिलहाल किसी भी प्रकार के छिड़काव का काम भी टाल दें। यहीं समय कपास में कीटों और सोयाबीन में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहे। इसके साथ ही विदर्भ में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल इस मौसम में किसान यहां कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं पालक की, जिसकी बुआई का समय अभी चल रहा है। इसकी पत्ती सब्जी के रूप में काफी पसंद की जाती है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लोह तत्व भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यूं तो पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य तौर पर इसकी खेती की जाती है। लेकिन दौरान किसान अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा या किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना न भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने पालक की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा इस मौसम में, और खासतौर से दिल्ली और आसपास क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां मौसम के लिहाज से किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दिल्ली में किसान फसलों, नर्सरी और सब्जियों से जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें।
दिल्ली और उससे सटे इलाकों में समय दबाव का छिड़काव किसान ना करें। दिल्ली और इसके आसपास फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई किसान कर सकते हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में ही किसान स्वीट कॉर्न की बुआई अभी कर सकते हैं, साथ ही इन क्षेत्रों में गाजर की बुआई भी किसान कर सकते हैं। गाजर में पूसा वृष्टि जैसी किस्मों का चयन करना किसानों के लिए बेहतर रहेगा। दिल्ली में ही किसान मेरों पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही यहाँ ग्वार, मूली, ज्वार, बीन्स, पालक, चौलाई और भिंडी की बुआई भी किसान कर सकते हैं। इन इलाकों में किसान प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ आम, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों के पौधों की रोपाई के लिए समय अनुकूल है। और मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुँचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से छत्तीसगढ़ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जिन किसानों से धान की रोपाई नहीं की है वो जल्द ही इसकी रोपाई कर लें। धान की रोपाई के लिए किसान एक जगह पर 4 से 5 बीजों को लगाएं। छत्तीसगढ़ में 20 से 25 दिनों के मूंग, उड़द और अरहर में किसान निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय मक्के की फसल में भी निराई किसान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मध्यम अवधि वाली फूलगोभी की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान केले में फल या फूल लगने की अवस्था में पेड़ को सहारा दें, साथ ही किसान अमरूद और अनार से पुराने फलों को फूलों को हटा दें। साथ ही यहां फलों के नए पौध लगाने के लिए किसान गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। यहीं कोहरा, करेला और लौकी की बुआई किसान करें और लताओं को सहारा दें। छत्तीसगढ़ में इस समय सब्जियों की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। बात अगर की जाए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की, तो कल यहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन कटिहार प्रदेश में, तो कल तेलंगाना में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दो दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दो दिन कटिहार प्रदेश में, तो कल तेलंगाना में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में, तो रविवार को रायलसीमा में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन तेज हवाओं की अगर बात करें तो इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। और आइए अब मौसम खबर में नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें अब आप मौसम खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है आप इसको स्कैन कर सकते हैं। मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप ले सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी कभी भी।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।